दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोया M1 माइक्रोफोन का, जो बहुत ही ज़बरदस्त और चीप माइक्रोफोन है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैमरे के साथ और मोबाइल के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हबीब और आप देख रहे हैं टॉक टू यू। सब दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ है और करीब 33-34 दिरहम का इसकी जो है प्राइस है। और अगर आप पाकिस्तान में इसको लेना चाहते हैं तो ये करीब 1500 रुपये तक आपको मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छा है और इधर उधर का जो भी शोर है, नॉइज़ है, वो इसको बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। और आप एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा कोई और माइक ख़रीदने की सोचेंगे भी नहीं। ये है बोया बाय M1। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर पैकेज में क्या क्या कंटेंट है। अंदर देख लेते हैं इसको। जी ये देख लें, इसमें आपको मिलेगा एक रेगजीन बेसिक पाउच मिलेगा आपको, और साथ में यूज़र गाइड भी मिलेगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्यों, ये बहुत ही सिंपल है। ये एक नोट है साथ में, और दूसरा जो है वो यूज़र गाइड है, जिसमें आपको तरीक़ाकार बताया हुआ है कि बैटरी किस तरह इंस्टॉल करनी है, किस तरह यूज़ करना है। तो आप इसको भी देख के कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सा माइक्रोफोन है। अभी पाउच को खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जी दोस्तों ये देख लें, इसके साथ वायर जो है वो बहुत ही लंबी वायर है, करीब 20 फीट की वायर है इसके साथ, जो आप आसानी से अपना मोबाइल फ़ोन या कैमरा अपने से दूर रख के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साथ में इसके जो है एक फोम विंड स्क्रीन मिलेगी और एक क्लिप मिलेगा। ये देख लें, ये इसकी बैटरी है LR44, जो करीब 7-8 महीने तक जो है वो काम करेगी। और ये है एडाप्टर इसका 1/4 इंच का। ये क्लिप है जो आप डाल के इसको बासानी शर्ट में, अपने कमीज में, किधर भी लगा सकते हैं। साथ में इसमें एक ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। अगर आप कैमरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको कैमरे की तरफ ले जाएं, और अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑफ ही रहने दें, स्मार्टफोन की तरफ ही इसको रखें। अगर कैमरे की तरफ करेंगे और मोबाइल यूज़ करेंगे तो ये फिर काम नहीं करेगा। साथ में एक क्लिप है जो बासानी आप कहीं भी इसको फंसा सकते हैं। और वायर आप इसकी देख लें, काफ़ी लंबी सारी वायर इसके साथ आती है। और ये जो अडाप्टर है, 1/4 इंच का अडाप्टर है, आप इसको भी ऐसे लगा सकते हैं किसी और डिवाइस में यूज़ करने के लिए। और ये है फोम विंड स्क्रीन, ये इसके लिए कि अगर
कहीं से हवा आए कुछ आए तो वो उसके लिए सेफ्टी के लिए कि वो रिकॉर्ड नहीं होगी उसमें, तो ये ऐसे आप इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो साउंड रिकॉर्डिंग हुई है वो इसी माइक से हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह क्लियर रिकॉर्डिंग इससे होती है। ये क्लिप है, आप इसको लगा के अपनी टी शर्ट में या अपनी कमीज़ में कहीं भी फंसा सकते हैं और बासानी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें बैटरी भी डाल के देखते हैं। इसको इस तरह घुमाएंगे, ये खोल के इसके बीच में बैटरी की जगह इन्होंने दी है जी, आप देख सकते हैं इधर ये बैटरी के लिए जगह है। स्प्रिंग जिस तरफ स्प्रिंग है उस तरफ आप प्लस रखें बैटरी का और दूसरी तरफ माइनस रखें, उस पर लिखा भी है प्लस और माइनस। इसी तरह आपकी जो बैटरी है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है प्लस और माइनस। चलो बैटरी को खोल लेते हैं और आप देख लीजिए कि किस तरह आप इसमें बैटरी डाल सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये LR44 बैटरी है, ये नॉन रिचार्जेबल है। जब ये काम छोड़ देगी तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नई खरीद करके लगानी पड़ेगी। इस तरह भी इसमें अब बैटरी इंसर्ट करेंगे। ये इंसर्ट हो गई है बैटरी, अभी उस कैप को दोबारा बंद कर दें अच्छी तरह, और ये उसी टाइम काम आएगी जब आप इसको कैमरे के साथ अटैच करेंगे। अगर स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना है इसको तो फिर बैटरी की ज़रूरत नहीं, इसको ऑफ पोजीशन में ही रख के आपने स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल करना है जी। दोस्तों ये था हमारा रिव्यू बोया M1 के बारे में, आपने देख लिया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।